हेलो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का सिलेबस। अगर हम छत्तीसगढ़ के जो पीएससी और व्यापम का जो एग्ज़ाम है उसमें जो छत्तीसगढ़ पार्ट का सिलेबस देखेंगे तो वो दोनों में ही सिलेबस कॉमन रहता है। 8 पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला पार्ट रहता है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। सेकेंड जो है वो है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशाएँ। थर्ड पार्ट रहता है छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति का। और जो फोर्थ पार्ट रहता है वो रहता है छत्तीसगढ़ की जनजाति, इससे ऊपर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। फिफ्थ पार्ट रहता है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। छठवां पार्ट रहता है प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पंचायती राज के ऊपर। अगर ये सिलेबस में रहता है तो कुछ एग्ज़ाम्स में सिलेबस में नहीं रहता है। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में सातवां नंबर है छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन, ऊर्जा संसाधन एवं उद्योग का। और जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, अगर 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ पार्ट से, तो उसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से। ओके, छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएँ। तो चलिए, हम इस वीडियो में हम बस यही देखेंगे कि सिलेबस क्या क्या है, हमको किन टॉपिक्स में पढ़ना है, फिर हम उसको धीरे धीरे पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे सबसे पहला पार्ट, जैसे कि मैंने बताया, वो है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। तो ये भी 2 पार्ट में ही है। ओके, छत्तीसगढ़ के इतिहास में आ जाएगा आपका पाषाण काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 पार्ट में डिवाइड है। फिर उसके बाद वंश आ जाएंगे, बाण वंश, पांडु वंश, कलचुरीस, और फिर उसके बाद छिंदक नागवंशी और फणी नागवंश और काकती वंश, फिर मराठा शासन एंड देन आपका अंग्रेजी शासन। तो ये अलग पढ़ेंगे हम। और जो इसी का जो मैंने बताया, जो दूसरा पार्ट आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, जिससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो हम इसको डिस्कस करेंगे 4 वीडियोस में। नीचे आप देख सकते हैं 1857 से 1900 तक का पहले वीडियो में, देन 1900 से 1920, देन 1920 से 1940 एंड देन 1940 से 1947। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस एक पेज से हम इन टॉपिक्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद 4 अलग वीडियोस में इसको थोड़ा विस्तार में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1857 मींस ये शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहले विद्रोह से, और वो विद्रोह किया था प्रथम शहीद मंगल पांडे जी ने। जी हाँ, बैरकपुर से मंगल पांडे जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था। और वो क्यों किया था, क्योंकि जो एनफील्ड P-53 राइफल के कारतूस आए थे, जो नए कारतूस आए थे, उनमें चर्बी लगने की वजह से उसे मूस में लगाने से इन्होंने इनकार कर दिया था। और ये विद्रोह किस दिन किया था इन्होंने, ये डेट आपको याद रखनी है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी 29th of March 1857 से, और उसके 8-10 दिन के अंदर ही 8 अप्रैल को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई थी। और उसका असर हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ा था। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में उसका असर पड़ा था सबसे ज़्यादा। बलौदा बाजार में सोना खान के ज़मींदार शहीद वीर नारायण सिंह जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ओके, और ये जो थे ये कहाँ के ज़मींदार थे, ये सोना खान के ज़मींदार थे। तो जो हमारा पहला वीडियो बनेगा, नेक्स्ट जो मैं बनाऊँगा, उसमें हम शुरुआत करेंगे कहाँ के ज़मींदार से, सोना खान के ज़मींदार शहीद वीर नारायण सिंह से, और कहाँ एंड करेंगे, नेतन नार। नीचे आप देखिए, नेतन नार के ज़मींदार महान भूम काल विद्रोह के लीडर, नेतृत्वकर्ता वो थे स्वर्गीय गुंडाधुर। ओके, शहीद गुंडाधुर। तो यहाँ से हम फिर से देख लेते हैं शहीद वीर नारायण सिंह जी को। जैसे कि मैंने बताया कि उस समय के पुलिस अधीक्षक थे चार्ल्स एलियट ने लगा दिया था कैप्टन स्मिथ को इनके पीछे। तो इनके जो दमनकर्ता थे वो थे कैप्टन स्मिथ। देन शहीद हनुमान सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी हुकूमत के तीसरे, मतलब अस्थाई जो इनका दल था, अस्थाई सैन्य दल के तीसरे सेना के मैगजीन दल में शामिल थे शहीद हनुमान सिंह जी। तो इन्होंने भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया, और ये विद्रोह ये छुप छुप कर करते थे। तो ये इनके मृत्यु का कोई खास प्रमाण नहीं मिला है। इसके ऊपर अगर आप शहीद वीर नारायण सिंह जी को देखेंगे तो इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है,
यहाँ आपके रायपुर के जयस्तंभ चौक में दिसंबर में दी गई थी 10 दिसंबर 1857 को शहीद वीर नारायण सिंह जी को फांसी दे दी गई थी जयस्तंभ चौक रायपुर में। शहीद हनुमान सिंह जी के बारे में, इनकी मृत्यु के बारे में खास प्रमाण इतिहास के पन्नों में नहीं है। इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो हमको पढ़ना है जिसमें से सवाल जनरली पूछे जाते हैं पीएससी और व्यापम के एग्ज़ाम्स में, वो पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ आदिवासी एवं जनजाति विद्रोह। जी हाँ, इसमें 8 विद्रोह जो हैं, हलबा, परलकोट, मेरिया, तारापुर, लिंगागिरी, कोई विद्रोह, मुरिया एंड महान भूमकाल, ये 8ों विद्रोह के बारे में हमको सिर्फ एक पेज में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो पूछा जाता है वो जनरली पूछा जाता है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, किसके शासन में ये विद्रोह हुआ, विद्रोह का कारण क्या था, ओके, और इनके दमनकर्ता कौन थे, जो अंग्रेजी नाम है, अंग्रेज जो कैप्टन और जो भी मेजर रहे होंगे उस समय, एक पेज में बहुत ही आसानी से हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं 1900 से 1920। सर्वप्रथम कांग्रेस के साथ छत्तीसगढ़ के संबंध को देखेंगे हम इस टॉपिक में। उसके नीचे पंडित सुंदरलाल शर्मा 1905 कलकत्ता जाकर इन्होंने गांधी जी को भी बुलाया था, और 1905 के आपके भंग भंग विद्रोह आंदोलन जो था, विरोधी आंदोलन जो था, इसका भी इन्होंने नेतृत्व किया था, और गांधी जी को उन्होंने फर्स्ट टाइम जब बुलाने गए थे 1920 में गए थे। ठीक है, 1900 से चालू करके 1920 में इसको ख़त्म करेंगे। और फिर सूरत अधिवेशन 1907, गरम दल एवं नरम दल में जनगण मन को लेकर विद्रोह को लेकर ये बटा था, या फिर ये बटा था वंदे मातरम को लेकर, इस टॉपिक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है और जनरली सवाल इसलिए पूछा जाता है। अगर हम देखेंगे तो ये दो दल पे रायपुर के टाउन हॉल में दो दल पे डिवाइड हुआ थी कांग्रेस, वो थी गरम दल और नरम दल। गरम दल का नेतृत्व किया था पंडित रविशंकर शुक्ल ने, और जो नरम दल है ये सॉरी गरम दल का नेतृत्व किया था इन्होंने आपका माधवराव सप्रे ने, और जो नरम दल का नेतृत्व किया था पंडित रविशंकर शुक्ल ने। और ये जो हुआ था, ये जो बटा था, ये बटा था वंदे मातरम को लेकर। देखिए दो दल है तो आप दो वर्ड याद रखिए, वंदे मातरम, जनगण मन में 3 वर्ड आ जाते हैं तो जनगण मन को भूल जाइए। ठीक है, दो दल है तो दो वर्ड याद रखिए, वंदे मातरम को लेकर रायपुर के टाउन हॉल में ये विभाजन हुआ था, ये सवाल पूछा जाता है। इसके नीचे आ जाते हैं हम, इसके नीचे हम देखेंगे तो होम रूल लीग आंदोलन, इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ में की गई थी 28 अप्रैल 1916 में, गोखले जी का रायपुर आगमन 1918 भी देखेंगे हम। उसके नीचे 1919 में रॉलेक्ट एक्ट, देन खिलाफत आंदोलन 3 साल चला था, बीएनसी मिल्स हड़ताल 45 दिन तक चली थी राजनांदगांव में, और इसको लीड किया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने। कंडेल नहर सत्याग्रह था ये धमतरी का, गांधी जी फर्स्ट टाइम आए थे 1920 में हमारे छत्तीसगढ़ के धमतरी में, ये उस समय बिलासपुर नहीं गए थे, और ये भी फर्स्ट टाइम आए थे, बिलासपुर नहीं गए थे, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका जो सेकंड आगमन हुआ था वो बिलासपुर में हुआ था फॉर हरिजन्स के लिए, और जो पहला आगमन था वो हुआ था नहर सत्याग्रह, कंडेल नहर सत्याग्रह, यहाँ आप देख सकते हैं इनका पहला आगमन 1920, दूसरा आगमन, सेकंड आगमन इनका हुआ था 1933 में। ओके, और जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है इनके साथ कौन आया था पहली बार जब ये आए थे गांधी जी, तो इनके साथ आए थे अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली। उसके नीचे छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन से हम 1920 को तक का टॉपिक्स कवर कर चुके होंगे, और 1920 से 1940 की शुरुआत होती है सिवावा नगरी जंगल सत्याग्रह से। ये जंगल सत्याग्रह के ऊपर काफ़ी बार सवाल पूछे जाते हैं, शुरुआत हम करेंगे सिवावा नगरी जंगल सत्याग्रह से और एंड करेंगे राटोला जंगल सत्याग्रह और छुई कदान जंगल सत्याग्रह। नीचे आप देख सकते हैं 1938 और 1939 में दोनों हुए थे, तो इस वाले जो वीडियो बनाएंगे हम उसकी शुरुआत भी हम करेंगे जंगल सत्याग्रह से और एंड भी करेंगे जंगल सत्याग्रह में। और इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में आएगा स्वराज दल 1923, काकीनाड़ा अधिवेशन, धमतरी 1923 और सविनय अवज्ञा नमक आंदोलन 1930। सबसे बड़ा यही दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा सवाल इसी से पूछे जाते हैं, इसको हम काफ़ी अच्छे से करेंगे। उसके नीचे है मेन जंगल सत्याग्रह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। ठीक है, देन प्रथम चुनाव यहाँ पर लिखा है, लेकिन प्रथम चुनाव है थोड़ा नीचे, यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा मैंने गलती से ऊपर लिख दिया था कि
क्योंकि ये 1930 के सविनय अवज्ञा और जंगल सत्याग्रह के बाद जो आता है वो आता है रायपुर में वानर सेना का गठन, बालक बलिराम आज़ाद का शौर्य, 14 साल का नवयुवक था ये बालक बलिराम, इसने रायपुर में मनाई थी वानर सेना, और बिलासपुर में जो वानर सेना बनी थी इसी समय वो मनाई थी वासुदेव देवरस ने, इसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद की ये कुछ अन्य घटनाएं हैं जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति से रिलेटेड हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और उसके नीचे जो है ये है आपका 1935 में प्रशासनिक दृष्टि से मध्य प्रांत और बरार के बारे में जो हम पढ़ेंगे, इसमें बरार को मध्य प्रांत का हिस्सा जो बना दिया गया था। और फिर उसके बाद प्रथम चुनाव, जिसमें प्रथम चुनाव में प्रथम मुख्यमंत्री हमारे उस समय मध्य प्रांत और छत्तीसगढ़ तो नहीं था, मध्य प्रांत और बरार कहा जाता था, तो मध्य प्रांत और बरार के प्रथम मुख्यमंत्री N.B. खरे जी के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम, नारायण भास्कर खरे, जो केवल 25 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे और उसके कुछ ही दिन के बाद 25 दिन के अंदर ही, जुलाई के समय की बात है, 4 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में सब कुछ हुआ था, उसके बाद जो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और हमारे मुख्यमंत्री बने उस समय 29 जुलाई 1937 को पंडित रविशंकर शुक्ल जी, और नारायण भास्कर खरे जी इतिहास के पन्नों में गुम हो गए। चलिए यहाँ पर हम 1940 कंप्लीट कर चुके होंगे, और 1940 के 1947 के बीच में जहाँ सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का, क्रिप्स मिशन की असफलता में डॉक्टर राघवेंद्र राव जी का योगदान। डॉक्टर राघवेंद्र राव 1937 का ये चुनाव जो हुआ था, उस समय के गवर्नर थे, वो चुनाव इन्होंने कराया था, बिलासपुर के हैं डॉक्टर राघवेंद्र राव जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे रायपुर षड्यंत्र के, इस पर असरम सोनी जी इसके लीडर थे, रायपुर डायनामाइट कांड बिलक नारायण और जय नारायण जी ने लीड किया था इसमें, इसको भी हम जरूर पढ़ेंगे, सवाल पूछा गया है इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और द्वितीय चुनाव, जिसमें फिर से मुख्यमंत्री सेकेंड टाइम चुन कर आए थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस सीधा 1947 में आ जाएंगे, जिसमें तिरंगा कहाँ कहाँ किसने फहराया था ये भी हम पढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, और बहुत जल्द ये सारे वीडियोस लेकर हम आएंगे और बहुत ही अच्छे से पूरे छत्तीसगढ़ को डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।